हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी आई टी आई पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आई टी आई पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 33 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 32 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो जो लोग अभी तक इस सभी 32 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 32 क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, लगभग 10 क्वेश्चन, और आज आपका जो क्लास है वो 11 नंबर क्वेश्चन से क्या होगा स्टार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए जो है हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक आईटीआई पॉलिटेक्निक या फिर पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को अभी तक अगर आप जो है डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक तो मोबाइल ऐप है जिसमें आपका आईटीआई पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल जो है सभी का है, उसमें 10th 12th उसका सभी का है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है उसके लिए एक स्पेशल ऐप है, जो आपका पारा मेडिकल वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक स्पेशल ऐप जो है तैयार किया गया है, जिसमें आपको पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2010 से लेकर के अभी तक का सभी क्वेश्चन आपको हमारे जो है पारा मेडिकल वाला जो मोबाइल ऐप है उसमें मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो है बिना टाइम का आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे, काफी महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का, काफी क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के बेसिस पे होगा, तो सभी लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला जा रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री आपको दे दिया गया, भाई क्या दिया गया, तो थीटा बराबर आपको दे दिया गया 30 डिग्री, तब आपको क्या करना है 2 cos 2θ का मान निकालना है। देन आपको करना क्या है 2 cos 2θ का मान आपको क्या करना है निकालना है। चलिए निकालते हैं, इसमें आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आपका 2 है तो 2 रहेगा ही, ठीक है। इसके बाद cos है, cos गुने थीटा होगा, तो थीटा का वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं कि 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री रख देंगे। फिर आप क्या करेंगे तो 2 cos, ठीक है, 2 cos और 30 गुना कितना डिग्री हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे तो ये 2 तो आपका रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है गुना है। फिर आप cos 60 डिग्री का वैल्यू जानते होंगे, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और तब आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो आपको वैल्यू जो मिला, जो आंसर मिला वो 1 है। दैट मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, डी ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से बना सकते हैं आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए जो है देखते हैं हम लोग जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर उसको देखेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आज हम लोग जो है करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ सके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोला जा रहा है 10 60° / sin 60° + cos 30° का मान क्या होगा, यही आपको क्या करना है बताना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या दिया गया है, तो ऊपर आप देख सकते हैं कि 10 60° लिया गया है, तो 10 60° का वैल्यू क्या होता है तो √3 होता है, कितना होता है √3, तो √3/2 हम 1 कर लेंगे, फिर मेन बट्टा आप नीचे ले लेंगे, ठीक है। मेन बट्टा नीचे लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि sin 60° है, तो sin 60° का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे √3/2, और बीच में आपका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेंगे, और cos 30°, ठीक है, तो cos 30° आप सभी जो है जानते होंगे √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 हम क्या कर लेंगे ले लेंगे। अब आपको आगे करना क्या है ध्यान से देखिए, कोई बड़ी सी बातें नहीं, देखिए ऊपर आपको क्या है तो ऊपर आपको मिला हुआ है √3/1 मिला हुआ है, ठीक है, और नीचे जो आपका ये मेन जो बट्टा है इसमें आप देख सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1√3/2, और इसको भी पढ़ सकते हैं 1√3/2, तो जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2√3/2 मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए
इस दो से ये दो आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोना कोनी आप सभी जो है समझ सकते हैं, ठीक है। इस दो से इस दो को आप जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर आपको जो है देखना है। देखिए अब यहाँ पर नीचे में कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, तो ऊपर था रूट थ्री बट्टे वन, ठीक है, और नीचे में भी वही बच गया रूट थ्री बट्टे वन। क्या लिखेंगे, रूट थ्री बट्टे वन मिल गया यहाँ पर आपको। अब आप क्या कर लेंगे, रूट थ्री बट्टे वन को रूट थ्री बट्टे वन से कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा वन। आपको आंसर यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, वन। डेट मीन्स यहाँ भी आपका एक आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 12 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, एक स्टेप में बना सकते हैं। चलिए अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आज करने वाले, खूब फास्ट करेंगे हल्का, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर होगा आज क्या होगा, अधिक होगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर जो है क्वेश्चन के बोला जा रहा है, क्वेश्चन जो है बोल रही, जैसे आपको दिया गया कि यदि जो है बी का मान आपको दे दिएगा 30 डिग्री हो तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बट्टे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी का वैल्यू क्या करना है बताना है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम ध्यान से देखते हैं। ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो आपको यह पता चलेगा, आप एक फार्मूला जो है याद किए होंगे, फार्मूला क्या याद किए हैं आप लोग, तो आप लोग याद किए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फार्मूला आप याद किए हैं। तो यही सिस्टम आप यहाँ पर बैठाएंगे, अगर आप इसको a मान लेते हैं, एक को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी और यहाँ इंटू हो गया और a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के a माइनस बी के जो फार्मूला होता है उस पर आप इसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाला जो चीज है वहां पर a का स्क्वायर, डेट मीन्स एक का स्क्वायर होगा, कितना का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि एक ही होगा। फिर नीचे में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस बी का स्क्वायर होगा तो माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में भी वही काम करेंगे, देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ये भी आपका एक जो है ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ये हो रहा है और इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए जो है वो एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा ए स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर तो बी का है साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप इसे आसान जो है वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सो देख लीजिए आपको करना क्या है, देखिए ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि क्या है, वन है, ये आपका वन है, बीच में माइनस है तो माइनस ले लीजिए, कॉस स्क्वायर बी, और बी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी का वैल्यू दिया जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है ये आप ले लेंगे यहाँ पर 30 डिग्री और नीचे भी ले लेंगे 30 डिग्री, बी के जगह पे कितना डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे, तो ऊपर हो गया कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है रूट थ्री बाई टू होता है, कितना होता है, रूट थ्री बट्टे टू, रूट थ्री बट्टे टू होता है, तो रूट थ्री बट्टे टू ले लेंगे। और नीचे में भी देख सकते हैं साइन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि आप ऊपर में देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये वन होगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस होगा साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी और बी का मान देख सकते हैं कि 30 डिग्री क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का सिंपली यहाँ पर आपको वैल्यू जो है बैठाना है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको करना क्या है, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ एक है उसको हम 1/1 कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3, ठीक है, और जब आप यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और नीचे भी आप सेम टू सेम 1/1 कर दीजिए, 1/1, और माइनस है तो माइनस, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इस 2 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो हम इसको हल्का इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ऊपर 1 और 4 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, तो 1 और 4 का एलसीएम आपका हो जाएगा 4, कितना होगा, 4। फिर आप जब क्या करते हैं, 1 से देंगे भाग इस 4 में, तो 4 का 4 और उधर 1 के का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है।
ये चार होगा क्योंकि गुना करेंगे तो चार हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार से देंगे भाग, चार में तो एक होगा, और इस तीन को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। नीचे भी कुछ आपको ऐसा ही करना होगा, चार और एक का एलसीएम आपको नीचे भी मिलेगा, कितना, चार मिलेगा। और फिर अब आप क्या करेंगे तो एक से चार में भाग देंगे तो चार होगा, ठीक है, और चार को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, चार होगा। फिर बीच में माइनस आ जाएगा, चार एक का चार और एक एक का क्या होगा, एक होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ऊपर आप देख सकते हैं कि चार में से तीन घटाना है तो एक बट्टा चार हो जाएगा, कितना होगा, एक बट्टा चार। ऊपर कितना हो गया, एक बट्टा चार हो गया। नीचे आप देख सकते हैं कि चार में से एक घटाना है तो ये हो जाएगा तीन बट्टा, और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, चार है, ठीक है, तो तीन बट्टा चार होगा। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं कि इस चार से ये चार क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा तीन, यानी कि एक बट्टा तीन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, एक बट्टा तीन आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए और तब तक समझने की कोशिश कीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को अब आप लोग जो है देखेंगे, आपका जो आंसर तो उसका आ चुका है। चलिए अब देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ आप जो है 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि आपको बोल दिया गया थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर आपको 45 डिग्री दे दिया गया, तो आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको थीटा का मान दे दिया गया था कितना, तो 30 डिग्री दे दिया गया था, तो हमने इसको सॉल्व करके इस तरह से दिखाया। आप इसको इस तरह से सेम टू सेम आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या करना है, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये कितना थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, तो सीधा समझिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा। फिर प्लस है बीच में तो ये ले लीजिए प्लस, और फिर ऊपर 1 है तो आप ऊपर 1 ले लेंगे, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान लेना है 45 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 45, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है 0, इसके बाद 1/2, और इसका मान आपका हो जाएगा 1/√2, ठीक है, 1/√2 आपका इसका क्या होगा, मान होगा, आपको कर लेना है स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका 1 है तो ये 1 आप ले लीजिए, ठीक है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है 1 है, ठीक है, और ऊपर 1 है, और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ही हम कर देते हैं, देखिए 1 है आपका, ये 1 रहेगा, और यह 1/1/2 जो है, यह जब आप इसको प्लस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है वो चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि ये डायरेक्टली 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 और एक कितना हो जाएगा, तो आपका 3 फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 देख सकते हैं। आपका जो डी ऑप्शन है 3 आपका बिल्कुल ही सही होगा, तो एक स्टेप में आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसको देखते हैं, बने रहिए लास्ट तक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बता दें कि यहाँ पर आपका 15 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक बात आप जो है ध्यान से समझेंगे कि जो 10 थीटा होता है, ठीक है, वो 10 थीटा यहाँ अगर आप जो है बातें करें तो यहाँ जो है आपको दिया क्या गया है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है, ठीक है, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये आपको पता होगा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा और बट्टा में होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन क्यों सही हुआ, कैसे सही हुआ, आप एक स्टेप में समझ पाए होंगे। चलिए
अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से आप लोग जो है काफी अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, सबसे कम किसका मान है यह आपको बताना है। तो आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए इसमें किसका मान जो है वो सबसे कम होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका 16 का जो सही आंसर होगा, 16 का आपका डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का जो मान है वो सबसे इसमें क्या होगा, कम होगा, सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान होता है जीरो। कॉस 90 का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो इसमें सबसे छोटा यह है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि टेन 45 का मान 1 होता है और साइन 90 डिग्री का मान भी आपका जो है 1 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है, लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है तो वो 0 होता है। तो इसलिए आपका 16 का जो आपका डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि यह सबसे यहाँ पर क्या है, छोटा है। तो आपका डी ऑप्शन कॉस 90 डिग्री सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप 17 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक किसका मान होगा यह आपको बताना है। तो आपको बता दें कि 17 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि आप 10-48 डिग्री का जहां तक बात करते हैं तो इसका मान 1 से क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10-45 डिग्री, ठीक है, 10-45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, 10-45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आप यहाँ पर थीटा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 48 हो गया, तो जैसे थीटा बढ़ा तो टेन थीटा का मान भी बढ़ेगा, इसका मतलब 1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर टेन थीटा का मान भी बढ़ता है। इसीलिए अगर 10-45 डिग्री होता है 1, तो 10-48 डिग्री 1 से क्या होगा, अधिक होगा। और यही आपको बताना भी है कि 1 से अधिक कौन है। तो यहाँ पर आपका 10-48 जो है सही होगा, आप इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर को, 17 तो आपने देख लिया, 18 को देखिए, हम हल्का इसको नीचा ही कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम है, सबसे कम किसका मान है यह आपको बताना है। ऊपर हमने देखा सबसे अधिक किसका मान है, नीचे यहाँ पर आपको 18 नंबर में बोल रहा कि सबसे कम किसका है। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, कॉस 90 डिग्री का यहाँ पर सबसे जो है कम वैल्यू हो जाएगा, कम मान हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान होता है जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे और हाई लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो यहाँ से आपका संपूर्ण तैयारी हो जाना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है 18 का सही आंसर क्या होगा यह आपको बताते हैं, 19 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? बी ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री जो है वो आपका क्या होता है, बराबर होता है। यह आप जो है बोला गया कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो यह आपका जो है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा, यह आप याद रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। इस तरह से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कारण भी आपने समझ गया कि आखिर ये दोनों बराबर क्यों है, ठीक है। इस तरह से हम बढ़ेंगे आगे और 20 नंबर क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जो है 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ये आता भी होगा, फिर भी जो है इसको जो है एक बार गौर से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको दे दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस में आपको दे दिया गया है 10 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री और माइनस साइन 90 डिग्री का मान है। इसमें आपको हम हिंट्स दे देते हैं, ठीक है, हिंट्स दे देते हैं और कैसे बनाना है यह आपको दे देते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको साइन 30 डिग्री का मान रख देना है,
प्लस करके कॉस 60 डिग्री का मान रख देना है और प्लस करके टेन 0 डिग्री का मान रखना है यहाँ पर। और फिर से आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान रख देना है और यहाँ आपका माइनस करके साइन 90 डिग्री का मान रख देना है और सबको सॉल्व कर लेना है। कोई बड़ा सा चीजें नहीं है, कोई लंबा प्रोसेस में आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। यह आपका आज हम लास्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज छोटा सा ही सेशन रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्द से जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोग अगर अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आईटीआई वाले के लिए अलग है, पैरामेडिकल के लिए अलग है, और एक तो है जिसमें आपका सभी का है, आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सभी के लिए है। तो वो वाला जो मोबाइल ऐप है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो वो जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप में कभी कभी प्रॉब्लम आता रहता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार नहीं खुले तो ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं खुलेगा, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी मोबाइल ऐप नहीं खुलता रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।